पता नहीं क्यों, पर मिलिट्री वालों ने मुझे बहुत ही जल्दी बुलाया है। ये लो सर, मैं आ गया हूँ। बताइए आपने मुझे क्यों याद किया, वो भी इतने अर्जेंट बेसिस पर। कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? तुमने एकदम सही कहा, तुमसे एक भूल हुई है। तुम्हारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इतने अच्छे सूट है। अब हम चाहते है कि वो सूट तुम मिलिट्री के लिए भिजवाओ, ताकि हम हर जंग जीत सके और हमें कोई भी ना हरा सके। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वो सूट मैंने खुद के लिए बनाए है। अगर वो मैंने आपको दे दिए और आपने कहीं उनका गलत इस्तेमाल कर दिया, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमें मत सिखाओ, जितना तुमसे कहा गया है उतना ही करो। अच्छा ठीक है, पता नहीं ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। मुझे जल्दी से जाके तैयारी शुरू करनी होगी। चलो, काफी सूट बनकर तैयार हो गए हैं, इसे भी फटाफट तैयार कर देता हूँ, फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा और ये सारे के सारे सूट मैं मिलिट्री बेस भिजवा दूंगा। उनके पास एक स्ट्रांग सेना बनकर तैयार हो जाएगी, बस वो लोग इनका अच्छे से इस्तेमाल करे, कोई गलत काम ना करवाए। ये क्या टोनी, इतने सारे सूटों का करना क्या चाहता है? कहीं ये हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी ना कर दे। वैसे भी ये लोग हमारे रास्ते में बहुत आते हैं। मालिक, जितना मुझे पता चला है, टोनी ये सूट मिलिट्री वालों के लिए बना रहा है, ताकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी हो जिसे कोई ना हरा पाए। पर उसी के साथ ये सूट हमारे लिए भी खतरा बन सकते हैं। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। हमारे पास टाइम नहीं है, या तो तुम करो या मैं खुद जाऊंगा और उन लोगों को बर्बाद कर दूंगा। एक भी सूट नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी मुसीबतें और नहीं बढ़ा सकता हूँ। पहले इन सूट को खत्म करना होगा। ये किस रास्ते से जाने वाले हैं पता करो। चलो फाइनली, मैंने सारे सूट ट्रेन के अंदर भर दिए हैं। अब ये ट्रेन सीधा मिलिट्री बेस के लिए ही जाएगी। जल्दी से फोन कर देता हूँ जनरल को। हेलो सर, मैंने सारे सूट एक ट्रेन में भर दिए है। बहुत अच्छे, हम भी यही चाहते थे। अब अगली बार से तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। बस आप लोग इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ये सूट काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। हाँ चिंता मत करो। चलो, मैंने कह तो दिया है। मुझे पता चला है, वो सारे सूट जिस ट्रेन में भरे गए हैं, वो ट्रेन यहीं से आने वाली है। पर अफसोस की बात, वो इससे आगे नहीं जा पाएगी। आने दो, आज मजा आएगा। मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ हथियारों के साथ। आजा आजा आजा। और ये गई, पूरी ट्रेन ही पलट डाली मैंने। उसके साथ वो सूट भी बर्बाद हो गए होंगे। ये हुई ना बात, दुश्मन की चाल चलने ही नहीं दी। क्या हुआ ऑफिसर, आप यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने तो आपको बुलाया भी नहीं है। ना ही मैंने ऐसा कोई काम किया जिसके वजह से पुलिस को मेरे घर आना पड़े। आप लोग जल्दी से बताइए कि मामला क्या है। दरअसल मामला ये है कि तुम्हारे सूट मिलिट्री बेस तक पहुँचा ही नहीं है, वो बीच से ही गायब हो गए। और जनरल को डाउट है कि ये काम तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम सूट देना नहीं चाहते थे। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मुझे देना ही नहीं होता, तो मैं इतने सूट बनाता ही क्यों? वो सब तुम जानो। अगर कल से पहले वो सारे सूट हमें नहीं मिले, मतलब कि आर्मी वालों को, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा मत कहिए सर, मैं अभी कुछ करता हूँ। जल्दी से डूट को फोन करता हूँ। हाँ बोलना टोनी, क्या हुआ? एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। मैंने मिलिट्री के लिए कुछ सूट बनाए थे। हाँ तो इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि जिस ट्रेन में मैंने उन सूट को भेजा था, वो ट्रेन वहाँ तक पहुँची ही नहीं। और अब इनको ऐसा लग रहा है कि उन सूट को गायब करवाने के पीछे मेरा हाथ है। ऐसा कैसे हो सकता है? तू नहीं वो सूट बनाए, तू ही गायब करवा रहा है। वो तो मुझे भी पता है कि मेरा हाथ नहीं है, पर इन लोगों को ऐसा ही लगता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास एक सूट बचा हुआ है। तुम जल्दी से और वो सूट लेकर जाओ और बाकी सूट की तलाश करो। अच्छा ठीक है ऑफिसर, आप चिंता मत करिए, कल से पहले वो सूट आप तक पहुँच जाएंगे। गाइस यार देखो, टोनी ने मुझे कहा था कि वो सूट यार नीचे रखा हुआ होगा, जल्दी से जाकर देखते हैं। पूरा वहाँ पर। अबे यार, उसने ये नहीं कहा था कि एकदम पुराना सूट है? ये तो भंगार लग रहा है यार। चलो छोड़ो, कुछ कर नहीं सकते, जल्दी से पहनते इसे। एक तो ये पहले से काफी ज्यादा भारी है, ऊपर से मुझे लगता नहीं है कि इसके अंदर कोई पावर वगैरह होगी भी। पहले तो मुझे इसे अपग्रेड करना होगा। चाहते हैं कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे, क्योंकि अगर काम हाथ में लिया है तो गाइस पूरा तो करना पड़ेगा। देखो, इस सूट ने मुझे एक लोकेशन दी थी और वहाँ पर रेड साइन बता रहा था, मतलब खतरा ही होगा। पर यहाँ तो मामला एकदम शांत लग रहा है, कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। एक मिनट, ओ गाइस वहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, और ये सारे तो गुंडे मवाली लग रहे हैं। एक को तो मैं शायद जानता हूँ, ये तो कोई गैंग लीडर वगैरह है। देखो
ये माल जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर पुलिस को खबर पड़ गई तो तुम्हें पता भी नहीं है क्या होगा। ये सब करना यहाँ पर इलीगल है। तुमने अभी तक इस चीज को यहाँ क्यों रखा हुआ है? मालिक चिंता मत करिए, ये माल इसकी जगह पर पहुँच जाएगा और किसी को भनक भी नहीं पड़ेगी। हमने ये काम पहले भी किया हुआ है। ओहो, लगता है किसी गलत चीज का लेन देन करने की बात कर रहे हैं। देखो इन्हें तो निपटाना पड़ेगा। रुक जाओ एक मिनट। अबे यार ये कब से हम पे नजर रख रहा था इसकी, तो मैं तेरी तो ये ले। क्या उड़ के गया है? देखो सूट भारी है और इसका हाथ भी बहुत भारी है, तो चले इसी का फायदा उठाते। ये ले, क्या पड़ रही होगी, सीधा का सीधा ये गया। माफ कर देना दोस्तों, पर या तो मुंह टूटेगा या तो हड्डियां। बस यहाँ पर मुझे भागने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा जल्दी थक जाता हूँ। पर ऐसा कोई, अबे यार बात कर रहा हूँ, गोलियां चला रहा है तेरी तो। चलो ये भी गया, क्या लगी होगी उसके पीठ को। अरे नहीं बाबू, नीचे नीचे उतरो, ऐसे गिर जाओगे ना लकड़ी से। और अब इसकी बारी। ये बेचारा तो कचरे के डब्बे से टकरा के अंदर गया के बाहर गिरा, देखा नहीं मैंने। चलो छोड़ो। ओहो एक मिनट गाइस, हमें इन सबको मारने के थोड़े पैसे मिले। ये रहा इनका बॉस। कैसे हो, आपकी गैंग तो लुढ़क गई, अब आप क्या करोगे? ए, मुझे छोड़ दो। ठीक है ये लो, छोड़ दिया मेरा हाथ। आया बड़ा, अब इनको तो पुलिस उठा कर जाएगी। तो गाइस हमें इन सबको मारने के पैसे मिले हैं और हमारी पावर भी बढ़ गई। भाई साहब क्या सूट मिला है यार, अब लग रहा हूँ मैं नॉर्मल आयरन मैन। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि इससे भी कुछ नहीं होगा। अरे यार अब किसका फोन आ रहा है? थॉर। डूड हमारी बात सुनो। हाँ बोलना। लोकी ने हमारे मेयोनीर के साथ कुछ किया है, वो मेरी बात नहीं मान रहा है। क्या बात कर रहा है? हाँ इसीलिए हमने तुम्हें कॉल किया है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोकी से मेरा हैमर वापस ले आओ। अच्छा ठीक है, पर लोकेशन तो भेज देना। हाँ मैं तुम्हें पता करके भेज रहा हूँ, उसे छोड़ना मत। मैं पहले प्यार से समझाऊंगा, अगर दे दिया तो ठीक है। चलो गाइस अब चलते हैं। कितनी अच्छी बात है कि ये सूट कम से कम उड़ तो सकता है, वरना पहले वाले को तो लेके भागने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी ना। पूरे लोखंड का सूट था, अलग से इतना भारी भाई साहब। चलो अब जाके लोकी को ढूंढना है। लोकेशन तो हमारे पास आ चुकी है और हम गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, वो इस साइड है। ये तो माउंट चिलियार्ड है ना, सबसे ऊपर जाके बैठ गया। इसको क्या लगा था यहाँ पर कोई ढूंढ नहीं पाएगा? ये रहा गाइस लोकी। देख चुपचाप वो हैमर मेरे हवाले कर दे, मुझे पता है तूने थॉर से चुराया है, इस पर तेरा अधिकार नहीं है। तुम आए, तुमने कह दिया और मैंने तुम्हें दे दिया, कितना आसान है ना ये सब। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी भलाई उसमें है। मुझे भड़काओ मत, मैं कोई मामूली इंसान नहीं, एस्गार्ड का राजा हूँ। पहली बात तो एस्गार्ड का राजा तू नहीं है, वो थॉर है। अब चुपचाप देता है कि नहीं? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाने के लिए किसी को बुलाना होगा। गाइस यार ये तो गायब हो गया, कहाँ जा सकता है? चलो छोड़ो अपने को, क्या वो गायब हुआ है तो होने दो, अपन जाके हैमर लेते हैं। अबे डिस्ट्रॉयर कहाँ से आ गया? इसकी तो मैं भाई साहब, नहीं 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 पहाड़ से नहीं फेंकना यार, बहुत मुश्किल से ऊपर पहुंचा हूं, वापस आने में दिक्कत हो जाएगी। आ गया, फिर से गायब हो गया। गए नीचे गए, इस बार तो पक्का गए। क्या घसड रहा है यार, ये हो क्या रहा है? पूरी मेहनत वेस्ट करवाएगा, आखिर में ये नीचे उतार के माना। इसकी तो मैं ना बोल रहा था ना। अब ये खा। ओ, क्या उड़ के गया हूँ मैं। गाइस यार इसकी तो वाट लगानी पड़ेगी। अब ये खा। आया बड़ा, कब से बोल रहा हूँ कि नहीं 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 नहीं, थॉर की बात माननी चाहिए तो लोकी की बात मान रहा है। शर्म वरम है कि नहीं है, राजा वो है। चलो गाइस ये तो निपट चुका है, अब बारी है यहाँ से निकलने की और चाके वो हैमर लेने की। फाइनली पहुंच गया, अभी उठा लेता हूँ, इससे पहले ऐसा ना हो जाए कि लोकी आ जाए। वैसे तो वो डरपोक आएगा नहीं, लड़ना होता तो खुद ही लड़ लेता, डिस्ट्रॉयर को तो भेजता नहीं। चलो अब जाते हैं इसे लेके। बम 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 बू। देखो उड़ तो हम लोग ऐसे भी सकते थे, पर ये हमारी स्पीड बढ़ा देता है और मुझे इसे लेके उड़ने में काफी मजा आता है। ये अभी अपने आप थॉर को ढूंढता हुआ जाएगा। ये लो थॉर, तुम्हारी चीज तुम्हारे पास पहुंच गई है और तुम्हारा भाई गायब हो गया है, मैं उसे नहीं हरा पाया तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ओके तो चलो गाइस गलती मारते यहाँ से। वैसे हमारे डॉलर बढ़ चुके हैं, तो पहले सूट का अपग्रेड कर लिया जाए और बूम। ओहो, जरा ये सूट तो चेक करो, क्या ही ढासू लग रहा हूँ मैं, मजा आ गया यार इसे देखकर। तो चलो अब मारते यहाँ से कल्टी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे काम है हमें। और फिर से, हाँ बोलना क्या हुआ, फिर से हैमर चोरी हो गया? अरे नहीं, हमने देखा कि तुमने अपने सूट को अपग्रेड किया है। हाँ किया तो है, अगर तुम्हें इसे
और अपग्रेड करना है। तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें एक लोकेशन देता हूँ, वहाँ पर एक रैम चैलेंज होने वाला है। क्या बात है, जल्दी से भेज। जल्दी से पहुँचते हैं रैम के पास, तो यही वो रैम्प है। इसे पार करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पर हम कर दिखाएंगे। जल्दी से बैठता हूँ बाइक पर और निकलते यहाँ से। आराम आराम से, गिरना नहीं है। चलो चलो धीरे 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 धीरे, जहाँ पर सबर से काम हो सके सबर से ही लेंगे हम। ओ पहुंच जाए यार, ये आखिरी वाला है। बस 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 हो गया, बस अब इन पटरियों पर से जाना है, उसके बाद मुझे लगता है रास्ता आसान होगा। चलो आसान तो नहीं, पर काफी चौड़ा चौड़ा रास्ता है, तो गिरने के चांस तो कम हो जाएंगे। अबे नहीं 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 यार, गए गाइस। वैसे मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि हमें 3 अटेम्प्ट मिले, जिसमें से एक अटेम्प्ट चला गया है हमारा, मतलब कि वेस्ट हो गया है। पर कोई बात नहीं, हम ये कर लेंगे आराम से नीचे। क्या बात है यार, मजा आ गया। चलो 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 चलो, यहाँ से लेफ्ट मार के ऊपर। अबे यार ये हो क्या रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा गाइस। देखो हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी भी 2 अटेम्प्ट पड़े हमारे पास, तो जीतने के फुल चांस है। बस गिरना नहीं है और ध्यान रखना है, क्योंकि एक और अटेम्प्ट चला गया ना, उसके बाद तो भाई दिल मुंह में आ जाएगा। हमने शॉर्टकट ही मार लिया यार, रास्ता तो बाजू से था। चलो ये तो और भी अच्छी बात है। अब यहाँ पर मुझे लगता है गाइस मैं पहुंचने वाला हूँ। चलो 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 चलो, यही फाइनल है ना। अबे नहीं यार, मुझे लगता है यहाँ से घुमा के वापस जाना है उस साइड, फिनिश लाइन ये नहीं है, मैं गलत समझ बैठा था। पर खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही बाकी है। अब इतना कर लिया है तो इतने से तो क्या ही डरना। चलो अब बारी है, जंप आने वाला है और ये मैं चला पहुंच गए। अबे नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं, बार बार बचे। चलो गाइस यहाँ पर रखा हुआ है काफी सारा पैसा, और ये पैसा होता है मेरा। तो जल्दी से देखते हैं इसमें कौन सा सूट मिलेगा। बूम, एक ड्रोन आयरन मैन, यही नाम होना चाहिए इसका। अगर गलत हो गाइस तो कमेंट में बता देना। तो देखो हमें सूत्रों से पता चला है कि ये सूट वाला जो पूरा कांड है ये है थैनोस का, इसलिए हम उसका पता लगा के उसके पास ही पहुंच गए। देखो थैनोस बा, वो सूट चुपचाप हमका दे ही दे, वरना अच्छा नहीं होगा। ये क्या बकवास कर रहे हो, और ये सूट तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने तो सारे सूट गायब करवा दिए थे। तुम भी शातिर निकले, तुमने इसे छुपा कर रखा, तुम तो गए। ये लो। अबे यार मैं तो बात कर रहा था। देखो छोड़ 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 छोड़ो भाई, ऐसा भाई से नहीं छोड़ना था। कोई नहीं कोई नहीं, तुम्हें भी खत्म कर दूंगा, उसके बाद एक भी आयरन मैन का सूट नहीं बचेगा। खत्म तो तब करेगा जब मैं करने दूंगा। तुझे क्या लगता है इतनी मेहनत मैंने मार खाने के लिए की है? ये ले। आया बड़ा तेरी तो, पास नहीं आने देना गाइस इसको, इसका फटका बहुत जोर से लगता है। अरे दूर हो भाई, कहा गया कहा गया। ये रहा, ओ ओ आउच, तेरी तो मैं ये खा। इसको अटैक करने ही नहीं देंगे हम। ये वाला चुक गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये आ गया नजदीक, अब नहीं चुकेगा। खुद की गलती खुद को भुगतनी पड़ती है भाई। फाइनली से खत्म कर दिया, बस सारे सूट को ढूंढना है और जाके मिलिट्री वालों को देना है। तो गाइस यार आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, आईडी स्क्रीन पर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।